फैसला हुआ कि सभी अभियुक्त को रिहा किया गया। रितलाल जी माननीय विधायक थे, उनको रिहा किया गया। सुनील यादव को रिहा किया गया। रंजन यादव को रिहा गया। सरवन यादव को सबको रिहा किया गया। किस कोर्ट का फैसला है? एडी जतीन एमपी एमएलए कोर्ट स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए। हेलो न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पे राजद विधायक को बड़ी राहत मिली है। दरअसल मामले की अगर बात करें, पटना के सिविल कोर्ट स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में ये पूरा मामला आज सुनवाई के दौरान हुआ है, जब राजद विधायक रीतलाल यादव सहित चार लोगों को बरी किया गया है। दरअसल बीते 2003 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जब बीजेपी के विधायक पति सत्यनारायण सिन्हा की निर्मम हत्या दिन दहाड़े दानापुर इलाके में गोली मारकर कर दी गई थी। दरअसल सत्यनारायण सिन्हा के बारे में बताया जा रहा है कि वो गाड़ी से कहीं जा रहे थे और उसी समय दिन दहाड़े अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर निर्मम हत्या सत्यनारायण सिन्हा की कर दी थी। बीजेपी नेता के हत्या के बाद कहीं ना कहीं इलाके में हड़कंप का माहौल बन गया और इस मामले में चार लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। इस मामले में कहीं ना कहीं अब बड़ी राहत देते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है और चार अभियुक्तों को बड़ी किया है। आइए सीधे सुनाते हैं कि इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं अधिवक्ता। पाया केस को झूठा पाया गया। कितने लोग थे इसमें? चार टोटल। चारों लोग इक्विटल घोषित टोटल हुए जी। एमपी एमएलए थ्री कोर्ट का ये फैसला जी। क्या नाम हुआ पूरा अपना? गिरिजा शंकर, रीतलाल जी के वकील। रीतलाल के वकील। फैसला हुआ कि सभी अभियुक्त को रिहा किया गया। रीतलाल जी माननीय विधायक थे, उनको रिहा किया गया। सुनील यादव को रिहा किया गया। रंजन यादव को रिहा गया। सरवन यादव को सबको रिहा किया गया। किस कोर्ट का फैसला है? एडी जतीन एमपी एमएलए कोर्ट स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए। हेलो, मतलब आपके कथनानुसार रीतलाल यादव दोष मुक्त हो गए और भी जो भी अभियुक्त थे सबको दोष मुक्त किया गया। कितने लोग थे इसमें? अभी टोटल चार लोग थे। इसमें चार ऑल वेयर रिक्यूट। क्या नाम आपका? गजानंद मिश्रा जी। क्या बोल रहे हैं उनका भी कि मैं लाल यादव का कंडक्टिंग लाया था। मैं सुनील यादव का कंडक्टिंग लाया था। बताइए क्या हुआ आज? क्या सुना आपने कि ये बीते 2003 का मामला था, जब बीजेपी के नेता सत्यनारायण सिन्हा की निर्मम हत्या दिन दहाड़े दानापुर इलाके में कर दी गई थी। वहीं इस मामले में अब राजद विधायक को बरी कर दिया गया है। वहीं इनके साथ साथ चार नामजद लोगों को भी राहत मिली। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।